एवरीवन, मैं हरितो मिर्चल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपने फीमेल स्क्वैटिंग के बारे में तो सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो पहले शॉर्ट में बता देती हूँ कि ये है क्या। फीमेल्स जो स्क्वैटिंग होते हैं ना, वो फीमेल इजैकुलेशन होता है। जैसे कि आप इजैकुलेट करते हो आफ्टर सेक्स, तो फीमेल भी इजैकुलेट करती है। बट वो इजैकुलेशन जो होता है ना, वो वजाइनल वॉल से नहीं होता, ऐसा लुब्रिकेशन होता है। ये जो इजैकुलेशन होता है वो यूरेथ्रा कैनल से होती है, यूरेथ्रा वॉल से होती है। बट ये यूरिन नहीं होता, लड़कियों का पेशाब ये नहीं होता, बल्कि ये एक फ्लूइड होता है जिसमें यूरिन की मात्रा हो भी सकती है। बट ये यूरिन जैसा कलर भी हो सकता है, बट इसमें स्मेल नहीं होती। ये एक दूसरे ग्लैंड की फ्लूइड होती है जो यूरेथ्रा कैनल से बाहर आता है जब एक्सेसिव बेस पे फीमेल स्टिमुलेट होती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है वो, उसका ऑर्गेजम लेवल उसके दिमाग से बाहर हो जाता है और वो इजैकुलेट कर देती है फ्रॉम यूरेथ्रा कैनल। अगर कोई फीमेल स्क्वैट करती है ना, दैट मीन्स उसने ऑर्गेजम तो अचीव किया ही है, बट कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील किया है जो 100 में से सिर्फ 5% औरत ही करती है। बट खुद से स्क्वैट करना, इट क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर फीमेल्स। मैं नहीं बोल रही हूँ कि परसेंटेज बिल्कुल नहीं है, 1% चांस हो भी सकते हैं खुद से स्क्वैट करना। बट अगर कोई मेल पार्टनर उसे हेल्प करे तो ये चांसेस 20% तक जा सकता है। ये मैं नहीं, रिसर्चर्स बताते हैं, स्टडीज ही बताती है। पहले दो चीज़ों से आपको ध्यान हटाना पड़ेगा। पहली बात, मेरी फीमेल ने कभी बताया नहीं, कभी जताया नहीं, अरे मेरी फीमेल ऐसे है भी क्या कि वो स्क्वैट करे। स्क्वैटिंग एक ऐसी फीलिंग है जो कोई जानबूझ के नहीं कर सकता, बॉडी का रिफ्लेक्शन है ये। बॉडी को अगर चरम उत्तेजना मिल जाती है ना, वो चरम सुख तक पहुंच जाती है ना, तो स्क्वैटिंग अपने आप हो जाता है। तो इसीलिए मैं मेल पार्टनर के लिए कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जो वो अपने फीमेल पार्टनर को स्क्वैट करवाने में मदद कर सके। सबसे पहला जो टेक्निक है ना, वो है अपने फीमेल पार्टनर को चरम उत्तेजित करो। फास्ट नहीं होता है, फास्ट नहीं करना है, समय देना है अपनी फीमेल पार्टनर को चरम उत्तेजना तक पहुंचना है। उसको इस तरीके से अराउज करनी है ना, ताकि वो अराउजिंग मोमेंट में ही आउट ऑफ कंट्रोल फील करे। क्योंकि अगर वो चरम उत्तेजित नहीं होगी तो स्क्वैटिंग इम्पॉसिबल है। हाँ, आपने उसको उत्तेजित कर दिया, उसके बाद आपने स्ट्रोक मार दिया, फीमेल पार्टनर फिर भी थोड़ी बहुत प्लेजर को फील कर सकती है। बट स्क्वैटिंग के लिए फीमेल पार्टनर का चरम उत्तेजित होना बहुत ही जरूरी है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगी। अगर आपका बहुत ही जल्दी गिर जाता है, आप अच्छे से संबंध नहीं बना पाते हो, या फिर आप बहुत जल्दी थक जाते हो, आपको थकान बहुत जल्दी आ जाती है, या फिर आपका सेक्स करने का मन ही नहीं करता, तो आप मिस्ट्रेस डेली जोश फॉर मेन का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें अश्वगंधा, कोको बीन्स, अनार आपके स्ट्रेस डिप्रेशन लेवल को कम करते हुए आपके जल्दी गिरने की समस्या को सॉल्व करने में मदद करता है। और इसमें जिंक, मैग्नीशियम है जो आपके मसल स्ट्रेंथ को, आपके स्टैमिना को, आपके पावर को तेजी से इंक्रीज करने में मदद करता है। और इसके साथ साथ आप एनहांस फॉर मेन से अपने प्राइवेट की मसाज करो। इसमें एलर्जिनिन होता है जो आपके प्राइवेट पार्ट के ब्लड वेसल्स को रिपेयर करता है। साथ साथ इसमें लौंग और एलोवेरा है जो आपके जल्दी गिरने की समस्या को काफी हद तक सॉल्व करने में मदद करता है। तो अगर आप अपनी जल्दी गिरने की समस्या से निजात पाना चाहते हो और अपने थकान को दूर करना चाहते हो, तो आप इस कॉम्बो का इस्तेमाल कर सकते हो। इसको ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, आप ट्राई आउट कर सकते हो। और अगर आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो तो आपको फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नंबर टू, अक्सर हमारी जो इंडियन फीमेल्स होती है ना, वो शाय होती है, बहुत ही ज़्यादा शाय होती है, और इसीलिए ना वो अपने आप को एक्सपोज नहीं कर पाती लाइट्स में। तो हो सके तो लाइट्स को ऑफ कर दो, ऑफ नहीं करना चाहते डिम कर दो, ताकि आपकी फीमेल पार्टनर आपके सामने कंफर्टेबल फील कर सके। क्योंकि वो हेजिटेट करेगी ना तो कभी भी स्क्वैट नहीं कर पाएगी, वो फीलिंग ही उसको नहीं आएगी। उसके दिमाग में हमेशा ये चलता रहेगा कि मेरी बॉडी उसके सामने एक्सपोज हो रही है, मेरे स्ट्रेच मार्क्स एक्सपोज हो रहे हैं, मेरे लटकते हुए ब्रेस्ट उसके सामने एक्सपोज हो रहे हैं, ये उसके दिमाग में चलता रहेगा, वो प्लेजर तक हासिल नहीं कर पाएगी। बहुत बार फीमेल को ऐसा लगता है ना कि उसने ना यूरिन पास कर दिया, और फीमेल पार्टनर अनकंफर्टेबल हो जाती है अपने मेल पार्टनर के सामने। तो अगर आपकी फीमेल ने ऐसा कुछ किया हो ना, तो उसको रिलैक्स्ड होने के लिए कहो, इट्स ओके,
ये क्वाइट नेचुरल होता है, ये शुरुआत होता है कि आपकी फीमेल पार्टनर स्क्वैटिंग के लिए प्रॉपर प्रिपेयर हो चुकी है। नंबर 3, अपने दाढ़ी और अपने नाखूनों को साफ कर लो भाई, क्योंकि अगर आपके दाढ़ी और आपके नाखून इनकाउंटर के वक्त उसको चुभेंगे ना तो फीलिंग गई। तो इसीलिए अपने दाढ़ी को थोड़ा सा सॉफ्ट जेंटल रखने की कोशिश करो अपने नाखूनों को, क्योंकि जब आप फिंगरिंग करोगे ना तो अगर ये नाखून चुभ गए ना एनकाउंटर के वक्त तो फिर उसको पेन होगा, और स्क्वैटिंग तो छोड़ो यार, वो हर चीज़ वहाँ पे स्टॉप कर देगी। नंबर 3, जब आप उसके डाउन पोर्शन में जा रहे हो, जब आप उसके क्लिट को स्टिमुलेट करने जा रहे हो, ओरल भी कर सकते हो, अगर आप फिंगरिंग कर रहे हो ना तो एक अच्छा ल्यूब का इस्तेमाल ज़रूर करो, क्योंकि नेचुरल ल्यूब जो फीमेल पास करती है ना वो थोड़ी देर बाद ड्राई हो जाती है और वो फिंगरिंग में आपको बाधा डाल सकता है। तो एक अच्छे क्वालिटी का ल्यूब इस्तेमाल करो। जब आप फिंगरिंग कर रहे हो तो उसके साथ साथ आप उसके बॉडी को इक्वली टच करो, उसको अच्छा फील करने दो, उसको बोलो कि वो रिलैक्स्ड करे। उसके वजाइना को जब अपने जेंटल हाथों से आप स्टिमुलेट करोगे ना तो आप खुद देखोगे कि जब वो अपने आपे से बाहर होती जाएगी, जब वो इस चीज़ को फील करेगी ना तो वो कुछ ऐसी हरकतें करेगी ना जो आपने पहले नहीं देखा होगा। ना चाहते हुए भी मुंह से कुछ अलग तरीके की आवाज़ें आ रही है, वो चीखें नहीं होगी, वो सिर्फ आवाज़ें होगी, वो बिल्कुल माइल्ड साउंड हो सकता है, बट हो सकता है कि आज से पहले आपने वो नहीं सुनी होगी। अब बात करते हैं कि आप कैसे समझोगे कि आपकी फीमेल पार्टनर स्क्वैटिंग के लिए प्रिपेयर हो रही है। देखिए, जब भी आपकी फीमेल पार्टनर की बॉडी प्रॉपर अराउज्ड होती है, वो प्रिपेयर होती है ऑर्गेज्म के लिए, तब उसकी वजाइना फूल जाती है, स्वेलो हो जाती है, मतलब कि आप खुद फील करोगे कि वहाँ कुछ फुलर फुलर फील हो रहा है, वजाइनल वॉल में हल्की सी आपको टाइटनेस फील होगी, बहुत ही ज़्यादा वेट होगी, यानी कि गीलापन बहुत ही ज़्यादा होगा। अगर आप उस वक्त आपके फिंगर्स को और ज़्यादा इंसर्ट करोगे अंदर की तरफ, यानी कि जो सर्विक्स स्टिमुलेशन होता है अगर वो आप दे सको तो उस टाइम पे वो स्ट्रोक जैसा काम करता है। अपने आप को हाइपर मत करो, अपने आप को पैम्पर मत करो, अपनी फीमेल पार्टनर के तरफ ही कॉन्सेंट्रेट करो। धीरे धीरे आप खुद फील करोगे कि फीमेल पार्टनर के यूरेथ्रा वॉल से कुछ लिक्विड पास हो रही है, फीमेल की बॉडी चेंज हो रही है, आप जिस मोशन में अभी तक फिंगरिंग कर रहे थे उसी मोशन में आपको करनी है, मोशन को चेंज नहीं करना है। हो सकता है कि अगर आप मोशन चेंज करोगे तो सेंसिटिविटी बदल जाए। अगर आप देख रहे हो कि फीमेल पार्टनर एक्सेसिव कुछ कर रही है, एक्सेसिव कुछ रिएक्शन दे रही है, तो आप उसके कंफर्ट के हिसाब से अपने मूवमेंट को चेंज कर सकते हो, बट कुछ भी स्टॉप नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने कुछ भी स्टॉप कर दिया ना तो जो फीमेल को फील हो रही है वो वही स्टॉप हो जाएगी। और जब फीमेल को एक्चुअल में ऑर्गेज्म आता है ना तो उसमें शर्म, हया, लाज, लिहाज, क्या मैं बोल रही हूँ, क्या मैं कर रही हूँ, उसका कोई उसको अता पता नहीं होता, बस बॉडी का रिएक्शन ही ऐसा होता है ना कि वो हर आपे से बाहर हो जाती है, हर चीज़ से बाहर हो जाती है, आउट ऑफ फोकस हो जाती है, क्या साउंड कर रही है, कैसा रिएक्शन कर रही है, कैसा उसका पोस्चर है, कैसा उसका गेस्चर है, ये कुछ भी उसके दिमाग में तब नहीं होता, बस एक ही चीज़ें होती है कि मैं कुछ अलग फील कर रही हूँ और मुझे कुछ अलग ही महसूस हो रहा है। हर फीमेल फवारी की तरह स्क्वैट नहीं करती है, कुछ फीमेल बिल्कुल माइल्ड सा स्क्वैटिंग करती है, कुछ फीमेल मॉडरेट करती है, कुछ फीमेल बहुत ज़्यादा करती है, डिपेंड ऑन के फीमेल की बॉडी रिएक्ट कैसा कर रही है। फीमेल को हर दिन स्क्वैट करवाना ज़रूरी नहीं, बट कभी कभार अगर फीमेल स्क्वैट करती है ना तो जो एक्सट्रीम ऑर्गेज्म उसको अचीव होता है ना, उसके हेल्थ के लिए अच्छा होता है, उसके माइंड के लिए अच्छा होता है और आपके रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि ये जो एफर्ट डालते हो ना उसके लिए ये आपको बहुत मदद करता है। और एक और बात आपको ज़रूर बता दूँ, स्क्वैटिंग के बाद फीमेल पेनिट्रेट करवा सकती है, क्योंकि स्क्वैटिंग होती है ना वो उसका एजैकुलेशन तो होता है बट फाइनल डेस्टिनेशन नहीं, तो उसके बाद भी फीमेल पेनिट्रेट आराम से कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने अपनी फीमेल पार्टनर को स्क्वैट कर दिया है तो आप उसके बाद पेनिट्रेट करके अपने आप को भी इजैकुलेट कर सकते हो, और ये आपके दोनों के बोल्ड लाइफ के लिए, बोल्ड सेक्सुअल लाइफ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। ये टिप्स अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब, और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।